हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश पंडिता एंड वेलकम टू आवर चैनल साइंस के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अगला पार्ट कंसिडर करेंगे हमारा लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स। लास्ट वीडियो भी हमारी इसी टॉपिक पे थी, आप पीछे जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बताना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि उनको भी पढ़ाई का चांस दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर ऑनलाइन ट्यूशंस टॉपिक वाइज सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम, जिसमें से पहला वर्ड प्रॉब्लम, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6। फाइंड द फ्रैक्शन। चलिए एग्जाम्पल अच्छे तरह से समझते हैं। क्या बताया गया है? डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। मीन्स जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, वो है ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर प्लस 4। तो हम अच्छे से लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। सपोज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। In the form of x and y, we have this fraction. So, from first condition, we can write denominator is equals to, means y is equals to twice of numerator, twice x plus 4. So, this is our first equation. So, convert it into standard form. This is minus 2x plus y is equals to 4. So, ये हमारा पहला equation. Now, दूसरा equation, क्या बता रहा equations? जब हम न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से रिड्यूस 6 करेंगे, मींस माइनस करेंगे, तो हमें 12 टाइम्स न्यूमरेटर मिलने वाला है। तो चलिए दूसरा कैसे लिखते हैं, बाय रिड्यूसिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6, मींस x माइनस 6, x का रिड्यूस करना है 6 है, मींस x माइनस 6 एंड y माइनस 6 ऑल्सो सेम। सो वी गेट हियर 12 टाइम्स ऑफ x, मींस फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन we can write y minus 6 is equals to 12 times of x minus 6. So this is equation, transfer this or convert this equation. So y minus 6 is equals to 12 times x minus 72. Guna kijiye yahan par 12 into x minus 6 into 12. So we get this. Now again solve this, transfer this 12x to the left hand side. So minus 12x plus y is equals to minus 72. Transfer this minus 6 to the right hand side. So we get here lastly the equation number 2. This is a minus 12x plus y is equals to minus 66. So ye hamara dusra equation. Equation first and second milne ke baad, we have to solve this equation number 1 and 2. So solve this equation by the elimination method. We can use any method, but elimination is a simple form, because we can eliminate one of the variable. So here y we can eliminate by subtraction, by taking subtraction. So equation 2 from 1. So take this subtraction. For this, change the sign of bottom equations. So we get here 10x is equals to 70. So lastly we get x is equals to 7, because 70 divided by 10. X की वैल्यू हमें मिल गई। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी हैव इक्वेशन माइनस ट्वाइस x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x, माइनस 2 इंटू 7 प्लस y इज इक्वल्स टू 4। सो वी गेट हियर माइनस 14 प्लस y इज इक्वल्स टू 4। सो लास्टली y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 14 एंड दिस इज इक्वल्स टू 18. So value of x and value of y we got here. Now write in the complete form. So numerator is x and denominator is y is equals to 18 of a fraction. So move ahead. Another example, look at this second example from your exercise. So telling this, I am a rectangle. ये खुद बोल रहा है, आई एम रेक्टेंगल, और फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x एंड y फाइंड करने को बोल रहा है, एंड फाइंड माय पेरीमीटर एंड द एरिया। सो वी नो दैट पेरीमीटर एंड एरिया, दिस इज
another problem, but many things we have to calculate, so we can find easily. First we have to calculate values of x and y, and then we can calculate perimeter and area of a rectangle by our formulas. Property of rectangle. So that opposite sides of rectangle are equal. So we can write here opposite side are equal. So twice x plus y plus 8 is equals to 4x minus y. यहाँ पर बताया गया कि अपोजिट फ्रंट साइड जो इक्वल है वो हमें इक्वल लिख दिया है. नाउ सॉल्व दिस, कन्वर्ट दिस. सो ट्वाइस एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एट. ट्रांसफर दिस 8 टू राइट हैंड साइड एंड माइनस वाई टू द लेफ्ट हैंड साइड. सो वी गेट हियर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू माइनस एट एंड डिवाइड बाय दिस टू इक्वेशन. फॉर दिस वी गेट minus x plus y is equals to minus 4. So this is our required equation number first. Now similarly we can write for second or second pair of side, front or opposite side. So write down 2y is equals to x plus 4. This is opposite sides of rectangle and we have the equal. So we get this equation, convert this in the standard form of linear equations. So transfer this x to the left hand side. So we get here minus x plus 2y is equals to 4. So we get equation number first and equation number second. So now solve this equation by again elimination method we are using. So we can eliminate x variable by subtracting equation 2 from 1. So this is a subtraction, minus x and plus x, because we are changing the sign of bottom equation. So plus and minus get cancels each other and we get here minus y is equals to minus 8. So minus minus again get cancelled and we get a value of y is equals to 8. Now put this value of y is equals to 8 in equation number any, but we are considering and putting in equation number 1. So minus x plus y is equals to minus 4. This is our first equation. Now put the value of y. So minus x plus 8 is equals to minus 4 and minus x is equals to, transfer this plus 8 to the right hand side. So we get here x minus x is equals to minus 12. Again this minus minus get cancels each other and lastly we get a value of x is equals to 12. So this is a required values of x and y, that is a pair of our variable. Now we can find another factors, that is perimeter and area, and find this length of rectangle also. So we have this rectangle length 4x minus y. Again we can write this equation in the equation form. So this is equation number 3. Put the value of x and y by calculating in equation number 3. So 4 into 12 minus 8 from the equation number 3, and we get here 48 minus 8 is equals to 40. So this is a length of rectangle. Now let us write down completely form. So we can calculate here breadth of rectangle and we have given this 2y. Any we can consider, but 2y is sufficient. So put the value of y. This is 8. So from equation number 4, 2 into 8 is equals to 16. So we get here 16 is a breadth of the rectangle. Now another factors we can find. So first area, but we have the area of rectangle formula is there, length into breadth. So write down 40 into 16, this is the values, and we get lastly answer of area. This is 640, and unit of area, any area is a square unit. We not here considering centimeter or meter because unit is not given. Yahan pe unit nahi diya gaya, so hum simply write down karenge unit, square unit. Now perimeter. So we have the perimeter of rectangle is equals to 2 into twice of length plus breadth. Length and breadth ki addition into 2, double karna hai. So write down
2 × 40 + 16. So we get here 2 × 56, and that is equals to 112 units. So this is a unit of perimeter. Now we get all of the values. So write down in complete sentence. So area and perimeter of rectangle is 640 square unit and 112 unit respectively. So उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों एग्जांपल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कंसिस्टेंट रहिए, पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।